जीवन में सफल ऐसे बने। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी, हाँ, मैं सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ज्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला, कि अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था।